Okay, one of my main purpose is also to give inspiration to women, especially young women, new generation. They want to travel, they want to go to other places, they want to be independent. I think independence for women is so important. Wow. That is why I like to inspire them, like, you can do, you can travel, you can manage, because women, we are powerful and we can do whatever we want to do. Just we need to try and encourage ourselves. मेरा नाम विशाल है। ये फॉरनर है, क्या उनके साथ साइकिल यात्रा कर रही थी? दरअसल कल दोपहर को इनकी किसी साइकिल में टक्कर लग गई थी, तो उसकी साइकिल का पहिया टूट गया था, तो ये मुझे सड़क पे मिली, बड़ी परेशान हो रही थी, तो इन्होंने कहा मेरी हेल्प कर दीजिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम इनके सामने बहुत आ रही थी कि इन्हें इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं मिल रहा था, तो कल मैंने इनकी हेल्प करी है, पता करवाया साइकिल के पहिए के बारे में, लेकिन इनकी जो साइकिल है वो इम्पोर्टेड है, तो वो उसका पहिया अभी अरेंज नहीं हुआ। वो कह रही है कंपनी से बात हुई है कि 3-4 दिन में अरेंज हो जाएगा। उसके बाद इन्हें रात को रुकना था, तो रात को हमने रुकने के लिए इन्होंने मेरे से हेल्प करी, हमने हेल्प करी है, रुक दिया। हाँ, 2-3 दिन कह रहे हैं, आज इनकी साइकिल रिपेयर कर रहे हैं, अगर रिपेयर थोड़ी बहुत हो जाती है तो ये इन्हें आज ऋषिकेश जाना है। ये दिल्ली से चली है, ऋषिकेश जा रही है, बेसिकली स्पेन की रहने वाली है। साइकिल चलाने के मैंने इनसे पूछा तो इनका ये कहना था उद्देश्य ये है कि एक तो वातावरण के लिए बहुत अच्छा, पॉल्यूशन फ्री होता है, दूसरा सेहत के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा ये भी है कि एक कह रहे इनसे मुझे लोगों को जानना और मिलने को मिलता है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए किस तरह की एक ये भी उद्देश्य इन्होंने कहा कि भाई इनका ये कहना है कि इससे महिला सशक्तिकरण का मिलेगा, उन्हें एनकरेज होती हैं, ताकि महिलाओं को समाज में कोई दिक्कत ना हो, ये संदेश भी ये देना चाहती है कि इससे हमें दिक्कत नहीं है।